वेलकम स्टूडेंट्स, सुभाष इंग्लिश स्कूल के ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 7 पार्ट 3 उपहार पढ़ेंगे। पहले तो हम उपहार शब्द का अर्थ समझेंगे। उपहार यानी क्या होता है? उपहार यानी होता है भेंट, किसी को कुछ वस्तु भेंट में देना। जैसे जन्मदिन है, शादी है, सगाई है, कुछ वस्तु हम किसी को भेंट में देते हैं तो उसको उपहार कहते हैं या गिफ्ट कहते हैं। एक राजा बड़ा न्यायप्रिय और दयालु था। उसके न्याय और दयालुता के चर्चे दूर दूर तक फैले हुए थे। वो पूरी कोशिश करता था कि मेरे राज्य में कोई दुखी नहीं रहे, अतः समय समय पर राज्य कर्मचारियों को अपने राज्य का जायजा लेने भेजता रहता था। वो किसी को भी कष्ट हो तो हर संभव कोशिश करता था कि लोग दुखी न रहें। कभी कभी उसे लगता कि मेरे कर्मचारी कामचोर हो रहे हैं या जरूरतमंदों की सहायता नहीं पहुँचा रहे हैं, तो खुद कोई ना कोई युक्ति भिड़ा कर रास्ता निकाल लेता। राजा के बेटे राजकुमार का जन्मदिन आया तो उसने पूरे राज्य में ऐलान करवा दिया कि जो भी मेरे बेटे के लिए सबसे सुंदर उपहार लेकर आएगा उसे 10,000 स्वर्ण मुद्रा इनाम में दी जाएगी। पूरे राज्य में हलचल मच गई। हर कोई सुंदर से सुंदर उपहार खरीदने में लग गया। बड़े बड़े सेठ साहूकारों ने सोने चांदी के सुंदर सुंदर खिलौने या अन्य चीजें बनवाई। बहुत से लोगों ने राजकुमार के लिए नए नए कपड़े सिलवाए। सभी कोशिश कर रहे थे कि उनका भी उपहार सर्वश्रेष्ठ हो। दीनू जो बहुत गरीब था, उसने सोचा कि मैं राजकुमार के लिए क्या लेकर जाऊं। घर में आटे के सिवा कुछ भी नहीं था, सो उसे पत्नी से कहा, तुम इस आटे की रोटी बना दो तो मैं राजकुमार के लिए रोटियों का उपहार लेकर जाऊं। पत्नी ने कहा, क्या पागल हो गए हो? हमारे जैसे गरीब की रोटी तो उनके कुत्ते भी नहीं खाते। लोग सोने चांदी और हीरे मोती से बनी वस्तुएं ले जा रहे हैं, ऐसे में तुम्हारी इन सूखी रोटियों को कौन पूछेगा? दीनू ने कहा, अरे भाग्यवान, ये तो मैं ही समझता हूँ, लेकिन उपहार के बहाने मैं भी राजा और राजकुमार के दर्शन कर लूंगा, उनका आलिशान महल भी देख लूंगा। दीनू की पत्नी ने सारे आटे की रोटियां बना दी। दीनू उन्हें पोटली में बांधकर उस ओर निकल पड़ा। हमने पहले जो तीन पहली का पढ़े हैं उसको आप समझ लीजिए। राजा जो दयालु न्यायप्रिय था, वो अपनी राजा को या जनता को, राज्य को वो सुखी देखना चाहता, तो वो कुछ ना कुछ युक्ति निकालता रहता था कि इस युक्ति के माध्यम से अपने राज्य का जायजा ले ले। तो उसने युक्ति निकाली कि उसका बेटे का जब बर्थडे आया तो उसने 10,000 स्वर्ण मुद्रा इनाम में देने को कहा कि जो सबसे सुंदर उपहार लेकर आएगा उसको 10,000 स्वर्ण मुद्रा इनाम में दे दी जाएगी। तो सभी कुछ ना कुछ उपहार लेकर आए थे। राज्य में जो दीनू गरीब लड़का था वो भी रोटियां लेकर राजा के बेटे के लिए आ गया था। चलो जहाँ राजा का भव्य राजमहल था, चलते चलते रास्ते में उसे भिखारी मिला। दीनू ने सोचा, बेचारा भूख से कितना कमजोर हो गया है, मेरे पास जो रोटियां हैं उसमें से 4 रोटी उसको दे दूं। वो जो रोटियां लेकर आया था वो 4 रोटियां उन भिखारी को दे देता, क्योंकि उसका मन बहुत साफ था और सभी की मदद करता था। तो क्या फर्क पड़ जाएगा, उसे ये सोचकर राजा 4 रोटियां भिखारी को दे दी। भिखारी इतनी रोटियां देखकर खुश हो गया और दीनू को आशीर्वाद की झड़ी लगा थी। भिखारी ने जो रोटियां ली थी उसके 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 बदले वो उसको आशीर्वाद देता और वो जो आशीर्वाद है वो सारे राजा के बेटे को लगते हैं। दीनू कुछ दूर आगे बढ़ा कि उसने सोचा, देखा तो कुत्ते कचरे के ढेर से ढूंढकर कुछ खा रहे थे। भूख से उनके पेट चिपके हुए थे। दीनू ने 2-2 रोटियां दोनों कुत्तों के आगे डाल दी। अब जो रोटियां बची हुई थी वो रोटियां वो कुत्ते को डाल देता है, मतलब उसके रास्ते में जो भी जरूरतमंद मिलते हैं उनकी वो सहायता करता रहता है। इस चित्र में आप देख रहे होंगे कि ये कुत्ते को रोटियां खिला रहा है और जरूरतमंद की सहायता कर रहा है। अब उसके झोले में 3 रोटियां ही बची थी। जितनी रोटियां लाया था पहले तो वो गरीब को दे देता है, फिर एक कुत्ते को दे देता है, और वो 3 रोटियां ही उसके पास बची हुई थी। कुछ दूर चलने पर उसे एक गाय मिली और एक बछड़ा भी साथ था जो लगातार माँ के थन को खींच रहा था, क्योंकि वो भूखा था और भूख के मारे अपनी माँ को परेशान कर रहा था। लेकिन उनसे दूध नहीं था, किंतु दीनू गाय को हमेशा ही श्रद्धा से गौमाता के रूप में देखता था। हमारे भारत में गौमाता के रूप में ही देखते हैं, हम उनका आदर करते हैं। सो उसने गौमाता को नमस्कार किया और एक रोटी उसे खिला दी। अब जो रोटियां बची हुई थी उसमें से एक रोटी वो गाय को दे देता है, एक रोटी बछड़े को भी दे देता है। सोचा, एक रोटी है और है मेरे पास, सिर्फ उसके पास कितनी रोटी बचती है? अब 1 ही रोटी बचती है।
कौन ये मेरी रोटी खा ही लेगा। वो सोचता है कि मेरे पास तो एक ही रोटी बची हुई है, क्या राजकुमार का बेटा ये रोटी खा ही लेगा क्या। अतः उपहार के लिए एक रोटी ही काफी है, कुछ ना कुछ लेके जाना है तो एक रोटी काफी है। राजदरबार में पहुंच कर वह हक्का बक्का रह गया। हक्का बक्का क्यों रह गया? राजमहल बहुत आलिशान था, वह सुंदर सुंदर पर्दे लगे हुए थे, बहुत सारे लोग जो थे वो बहुत आभूषणों से सुसज्जित थे और वो बहुत गरीब था, उसके कपड़े फटे हुए थे। तो वो देखकर हक्का बक्का रह जाता है कि मेरे को कौन देखेगा। वहाँ की भव्यता को देखकर उसे अपने कपड़े और अपनी रोटी पर शर्म आने लगी। बहुत सारे उपहार, बहुत सारे अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर उपहार कपड़े लगे थे और वो अपनी रोटी को देखकर शर्म आ रही थी। बड़े बड़े लोग सुंदर से सुंदर उपहार लाए थे, राज दरबार में जगमग करते उपहारों का ढेर लग गया। दीनू ने अपना झोला कसकर पकड़ लिया और एक कोने में खड़ा हो गया, क्योंकि उसको शर्म आने लगी थी और अपना जो झोला था वो पकड़कर एक साइड कोने में चला गया। अचानक राजा की नजर उस पर पड़ गई। राजा जो वहीं बैठे हुए थे, उनकी नजर दीनू के ऊपर पड़ जाती है। राजा ने कहा, भाई आगे आओ, तुम क्या उपहार लाए हो मेरे बेटे के लिए और तुम्हारा नाम क्या है? दीनू सकुचा था, वो आगे बढ़ा। नर्म सुंदर कालीन पर अपने मेले पांव रखने में भी उसे संकोच हो रहा था, क्योंकि वहां बहुत सुंदर सुंदर कालीन बिछी हुई थी। वो सोच रहा था कि कालीन मेरे मेले पांव से गंदी ना हो जाओ। राजा ने कहा, आगे आ जाओ, डरने की क्या बात नहीं है। दीनू ने आगे बढ़कर राजा को प्रणाम किया और बोला, हुजूर मेरा नाम दीनू है, यहाँ से 4 कोस की दूरी पर मैं रहता हूँ। राजा ने कहा, लाओ क्या उपहार लाए हो, निकालो झोले में से। वो झोले में से संकोचाता हुआ रोटियां निकालता है। इस चित्र में आप देख रहे हो कि राजा दीनू राजा को रोटियां उपहार में दे रहा है। दीनू ने सकुचाते हुए झोले से रोटी निकाली और राजा के सामने रख दी। दरबार में उपस्थित सभी लोग खिलखिलाकर हंस पड़े। क्यों हंस पड़े? क्योंकि वो सभी सुंदर सुंदर गहने लाए थे, उपहार लाए थे, सुंदर कपड़े लेके आए थे, कुछ ना कुछ बड़े बड़े आभूषण उसके लिए लाए थे और दीनू सिर्फ रोटी लेके आया था, इसलिए सभी उसके ऊपर खिलखिलाकर हंस रहे थे। राजा ने कहा, सब खामोश रहे। फिर दीनू की तरफ हाथ बढ़ाकर रोटी ले ली और पूछा। राजा ने सभी को डांटते हुए चुप करवा दिया और राजा दीनू के हाथ से रोटी ले ली। भाई दीनू, एक रोटी से मेरा और राजकुमार का क्या होगा? राजा दीनू से बोलता है कि एक ही रोटी लाए हो, एक रोटी से मेरा और राजकुमार का पेट थोड़ी ना भरेगा। उसने रास्ते का सारा वृत्तांत का सुनाया और बोला, उसके रास्ते में जो भी घटनाएं हुई थी, वो जितनी रोटी लेके आया था, एक तो कुत्ते को दे दी, एक गाय को दे दी और भिखारी को दे दी, सारा वृत्तांत वो राजा को सुना देता है। हुजूर, मुझसे आपके लिए उपहार लाने की हैसियत कहाँ है? यह तो जो कुछ मेरे पास था वही लेकर आ गया हूँ, ताकि आपके दर्शन कर सकूं। रास्ते में जरूरतमंदों को मैंने रोटी बांट दी। एक रोटी इसलिए बचा ली थी कि इसके बहाने में आपके दर्शन कर पाऊंगा। अगर ये रोटी भी अगर दीनू नहीं बचाता तो उसके जो सिपाही थे राजा के, वो उसको अंदर नहीं आने देते। दीनू ने जब राजा ने सब दीनू का सारा वृत्तांत सुना तो वो उनसे आकर्षित हो गए और उन्होंने उसको कुर्सी पर अपने सिंहासन पर बिठा दिया। राजा ने उसे कुर्सी पर बिठाया और सभी जनों के बीच ऐलान किया कि आज सबसे अच्छा उपहार दीनू लाया है। क्यों लाया है? क्योंकि वो सबकी मदद करता हुआ आया है, जरूरतमंदों की सहायता करके वह उपहार यहाँ तक लेकर आया है। सोने चांदी कि हमारे खजाने में कोई कमी नहीं थी, राजा के खजाने में सोने चांदी की कोई कमी नहीं थी। दीनू जो उपहार घर से लेकर चला था उससे रास्ते में जिन भूखों की भूख इसने बुझाई है, उनकी दुआएं भी राजकुमार के लिए लाया है, क्योंकि सभी ने उसको दुआएं दी थी और दुआएं इनडायरेक्टली किसको लग रही थी? राजकुमार को लग रही थी। अतः 10,000 स्वर्ण मुद्राएं दीनू को दे दी जाती है। जो उपहार विजेता था उसको देना था, तो वो उपहार किसको देते हैं? दीनू को देते हैं। साथ ही जीवन भर के लिए इसका और इसके परिवार का भरण पोषण राजकोष से होगा। राजकोष में जो धन जमा रहता है उससे उस दीनू का भरण पोषण किया जाएगा, ऐसा राजा ने आदेश निकाला।
इसे राजाज्ञा समझा गया। इसे 10 एकड़ जमीन भी दे दी जाती है। उस दीनू को 10 एकड़ जमीन भी मिल जाती है जिस पर वह खेती करे और जरूरतमंद लोगों को रोटी दे। इस पे वो अपना घर का पालन पोषण भी करे और जरूरतमंदों की सहायता भी करे। राजा के इस निर्णय से सभा में उपस्थित सभी हतप्रभ और आश्चर्यचकित थे। हतप्रभ यह होता है आश्चर्यचकित रह जाना। हमने जो ये कहानी पढ़ी है बहुत ही सुंदर कहानी है। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें जरूरतमंदों की सहायता करनी चाहिए। अगर हम जरूरतमंदों की सहायता करते हैं तो हमारे लिए भगवान बहुत सारे रास्ते खोल देता है, जिस प्रकार दीनू के साथ हुआ। उसके परिवार का भरण पोषण भी राजा ने ले लिया, उसे 10 एकड़ जमीन भी मिल गई और 10,000 स्वर्ण मुद्रा भी उसको इनाम में मिल गई। धन्यवाद। अभी जो हमने वीडियो पढ़ी है अब उसके हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। इन क्वेश्चन आंसर को आपको फिर कॉपी में लिखना है और लर्न भी करना है। पार्ट 3 उपहार प्रेम कोमल बुधिया। वस्तुनिष्ठ प्रश्न क्या होता है? वस्तुनिष्ठ प्रश्न वो होते हैं जो वन वर्ड के रहते हैं, छोटे आंसर रहते हैं। प्रश्न क्रमांक 1 सही जोड़ी बनाइए। राजा, न्यायप्रिय, उपहार, जन्मदिन, राजमहल, भव्य, साहूकार, सेठ। प्रश्न क्रमांक 2 दिए गए शब्दों में से उपयुक्त शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। दीनू राजकुमार को उपहार देने हेतु लेकर गया, क्या लेकर गया था? रोटी। दरबार में उपस्थित सभी लोग कर हंस पड़े, क्या कर हंस पड़े थे? वो खिलखिलाकर। उपहार के लिए एक रोटी ही है काफी। दीनू घर से लेकर चला था, क्या लेकर चला था? उपहार। अति लघु उत्तरी प्रश्न। अति लघु उत्तरी का प्रश्न का फर्स्ट प्रश्न है अपना, राजा का स्वभाव कैसा था? राजा दयालु और न्यायप्रिय था। प्रश्न क्रमांक सेठ साहूकारों ने राजा के बेटे को उपहार देने हेतु सुंदर खिलौने किन किन धातुओं से बनवाए थे? वो जो खिलौने थे वो किन किन धातुओं से बने हुए थे? उत्तर, सेठ साहूकारों ने सोने चांदी के सुंदर खिलौने तथा अन्य चीजें बनवाई थी। प्रश्न क्रमांक ग उपहार के बहाने दीनू किनको देखना चाहता था? उपहार जो लेकर आया था दीनू, उसके बहाने वो किनको देखना चाहता था? उत्तर है इसका, उपहार के बहाने दीनू राजकुमार और भव्य महल को देखना चाहता था। प्रश्न क्रमांक घ दीनू को राजा ने कितनी जमीन दी? राजा ने उपहार में दीनू को कितनी जमीन दी थी? उत्तर, दीनू को राजा ने 10 एकड़ जमीन दी थी। अगला प्रश्न है, राज दरबार जाते समय दीनू ने रास्ते में किन किन लोगों की सहायता करी थी? वो जब रोटी लेकर चला था तो उसने किन किन की सहायता करी थी? इसका उत्तर है, दीनू ने रास्ते में भिखारी, कुत्ते और गाय को रोटी देकर मदद की थी। लघु उत्तरी प्रश्न। प्रश्न क्रमांक क जरूरतमंदों को सहायता न मिलने पर राजा क्या करता था? राजा दयालु और न्यायप्रिय था। कभी कभी उसे लगता कि उसके कर्मचारी कामचोर हो रहे हैं, तो उसे यह भी लगता था कि जरूरतमंदों की सहायता नहीं हो रही है, तब वह खुद ही कोई ना कोई युक्ति भिड़ाकर रास्ता निकाल लेता था। अगला क्वेश्चन है, दीनू राज दरबार में जाकर आश्चर्यचकित क्यों हो गया? मतलब उसको आश्चर्यचकित क्यों हो गया, उसको अचंभा क्यों हुआ? इसका आंसर है, राज दरबार में पहुंचकर वह आश्चर्यचकित हो गया था। वहां की भव्यता देखकर उसे अपने कपड़े और अपनी रोटी पर शर्म आने लगी, क्योंकि बड़े बड़े लोग सुंदर उपहार लाए थे। अगला क्वेश्चन है, राज आज्ञा क्या थी? मतलब राजा ने क्या आज्ञा दी थी? इसका उत्तर है, राज आज्ञा थी कि 10,000 स्वर्ण मुद्रा दीनू को दे दी जाए, साथ ही जीवन भर के लिए दीनू और उसके परिवार का भरण पोषण भी राजकोष से होगा। उसे 10 एकड़ जमीन भी दी गई जिस पर वह खेती करे और जरूरतमंद लोगों को रोटी दे। अगला क्वेश्चन है, दीनू का उपहार सबसे अच्छा क्यों घोषित किया गया? इसका आंसर है, दीनू घर से राजकुमार के लिए रोटी लेकर चला, परंतु रास्ते में उसे कई भूख के जरूरतमंद लोग मिलते गए। वह भिखारी, कुत्ता और गाय को रोटी खिलाता गया। अंत में उसके पास एक रोटी बच गई जो उसने
उसने राज दरबार में भेंट की। राजा ने कहा कि उस एक रोटी के साथ उन सभी भूखे और जरूरतमंदों की दुआएं भी हैं जिनकी कोई कीमत नहीं है, इसलिए दोनों का उपहार सबसे सर्वश्रेष्ठ था। भाषा की बात में क्या आता है अपना व्याकरण। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित शब्दों का शुद्ध उच्चारण कीजिए। सिर्फ आपको इनको उच्चारण करना है, मतलब बोलना है, ये स्वयं आपको करना है। जरूरतमंद, सर्वश्रेष्ठ, आशीर्वादों, वृत्तांत, स्वर्ण मुद्राएं। प्रश्न क्रमांक 5, निम्नलिखित शब्दों की वर्तनी शुद्ध कीजिए। ये अशुद्ध शब्द दिए गए हैं, इनकी हमें शुद्ध वर्तनी करना है। नमस्कार, नमस्कार नहीं होता, नमस्कार होता है। आशीर्वाद, आशीर्वाद नहीं होता, आशीर्वाद होता है। हत पीर रभ नहीं होता, हत प्रभ होता है। उपस्थित नहीं होता, उपस्थित होता है। राजकोष नहीं होता, राजकोष होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संयुक्त क्रिया वाले वाक्य छाट कर लिखिए तथा बताइए कि उनमें से कौन कौन सी संयुक्त क्रियाएं आई हैं। संयुक्त क्रियाएं क्या होती है? संयुक्त क्रियाएं नहीं होती, दो क्रिया जब साथ में मिलती है और वाक्य बनता है वो होती है संयुक्त क्रियाएं। जैसे दो क्रियाएं बन रही हैं, तुम दूरदर्शन देखते होंगे तो देखते और होंगे, ये दोनों क्रियाएं हैं, तो दो क्रिया मिलकर बन रहा है वाक्य, इसलिए क्या हो गया ये संयुक्त क्रिया। शिला पढ़ती है, पढ़ती है, ये दोनों संयुक्त क्रिया है। उसका नाम प्रदीप है, नाम प्रदीप, ये क्या हो गया है संयुक्त क्रिया। वह दूध पी चुका होगा, चुका होगा, ये दोनों है संयुक्त क्रिया। अभी हंसने लगेगा, हंसने लगेगा, ये दोनों है संयुक्त क्रिया। क्रमांक, संयुक्त क्रिया वाले चार वाक्य बनाकर लिखिए। उत्तर, कुछ देर के बाद अध्यापक पढ़ाने लगे, पढ़ाने लगे, ये क्या है संयुक्त क्रिया। पिताजी तुम्हें खाने को भी को सभी आइसक्रीम ला देते हैं, ला देते, यह है संयुक्त क्रिया। हम आपकी सेवा करना चाहते हैं, करना और चाहते, ये दोनों है संयुक्त क्रियाएं। राम को हंसने दो, हंसने दो, ये दोनों है संयुक्त क्रियाएं, क्योंकि दो क्रियाएं मिलकर जो क्रिया बन रही है वो संयुक्त क्रिया कहलाती है। यहाँ पर सभी में दो दो क्रियाएं बन रही है जिससे ये संयुक्त क्रिया है। प्रश्न क्रमांक 7, निम्नलिखित योजक चिन्हों वाले शब्दों को वाक्य में प्रयोग कीजिए। योजक चिन्ह वाले शब्द, योजक चिन्ह किसे कहते हैं, ये वाले जो चिन्ह रहते हैं ये योजक चिन्ह होते हैं। इन योजक चिन्हों को अगर हम हटाते हैं तो यहाँ पर और या अथवा का प्रयोग किया जाता है। इन्हें द्वंद समाज में भी अपन उपयोग करते हैं। पहला वाक्य है कभी कभी, पिताजी कभी कभी घूमने जाते हैं, इसका वाक्य हम बना रहे हैं पिताजी कभी कभी घूमने जाते हैं। बड़े बड़े, दक्षिण भारत में बड़े बड़े मंदिर हैं। सुंदर सुंदर, उनके बड़े सुंदर सुंदर बच्चे हैं। चलते चलते, हम चलते चलते घर पहुंच गए। दो दो, अब तुम दो दो करके आ सकते हो। अभी हमारा वर्कशीट कंप्लीट हो गया है, हमारा पार्ट 3 पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब आपको कुछ ध्यान देने वाली बातें हैं जो मैं आपको बताऊंगी, जो आपको ध्यान रखना है। सबसे मेन बात तो ये रहती है कि हिंदी में आप गलतियां ना करें। अगर आप गलतियां करते हैं तो उसके मार्क्स कटते हैं। और हिंदी में सबसे ज़रूरी यही देखा जाता है कि आपकी राइटिंग कैसी है, आपने शब्द कैसे बनाए हैं, आप गलत ना लिखें, ठीक है। तो आप गलती नहीं करेंगे, जैसा मैंने लिख रखा है वैसा आपको उतारना है। कहीं आपको बिंदी भी दिखती है तो बिंदी भी आपको लगानी है, क्योंकि बिंदी वैसे हमने मतलब बिना मतलब से नहीं लगाई है। जहाँ बहुवचन बनता है वहाँ बिंदी लगाई जाती है, और जहाँ शब्द मतलब आधा होता है वहाँ बिंदी लगाई जाती है। तो आप बिंदियों का भी प्रयोग करेंगे, विराम चिन्हों का भी प्रयोग करेंगे और मात्राओं की गलती नहीं करेंगे। धन्यवाद।